और भाई मिस्कात अर्तकल देख रहे हो? अब जा बे, कौन देखे इतना लंबा, आजकल शॉर्ट वीडियोस का जमाना है, लंबी खुआरी कौन करे भाई। अबे भाई तू एक दफा देखेगा ना, देखता ही रह जाएगा, छोड़ने का दिल भी नहीं चाहेगा तेरा। सही बोल रहा है, मैंने तो चार दिन में एक सीजन खत्म कर दिया। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है? अबे ये हल्के देख रहे हैं बेटा, एक सीजन में 74 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है, कोई आम बात नहीं है ये। अबे भाई तू इसको क्या बोल रहा है, ये तो ऐसा ही है। अबे ये वही है, 15 सेकंड वाले टिकटॉक देख लेंगे लेकिन अर्तकल नहीं देखेंगे। बस बेटा बस, जोश जला दिया तुम लोगों ने। तुमने कितने दिन में देखा था? चार दिन में। मैं दो दिन में देखूंगा। अबे कैसे देखेगा, कल चांद रात है, परसों ईद है। ओ भाई वो मेरा मसला है। सही है भाई, अब आपका मसला तो आप संभालो। चल भाई चार देखना, दो दिन में खत्म करके दिखाऊंगा। लगा बेटा मुश्कात, पूरा दिन हो गया है अभी तक मोबाइल में लगे हुए हो। अम्मी मैं अर्तकल देख रहा हूँ। अर्तकल? ये क्या होता है? अम्मी ये अर्तकल बहुत अच्छा ड्रामा है जिसमें मुसलमानों के ईमान के जज्बे को बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम क्या थे और क्या हो गए। अच्छा बेटा एक सवाल था, इतना अच्छा ड्रामा देखते हुए अगर नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज पढ़नी चाहिए? जी अम्मी जा रहा हूँ, भूल गया था, जल्दी जाओ। मिश्कात? अरे उठो मिश्कात। अम्मी जान मैं मिश्कात नहीं हूँ, मैं हूँ अर्तकल, सुलेमान शाह का बेटा। अर्तकल? अरे पागल, तू नदीम का बेटा मिश्कात है। आयमा खातून, आज के बाद मुझे मिश्कात नहीं बल्कि अर्तकल बुलाया जाए और मेरे वालिद को सुलेमान शाह बुलाया जाए। अरे तुम पगला गए हो क्या, तुम्हारे अब्बा ईद की नमाज पढ़ने जा चुके हैं, 5 मिनट रह गए, जाओ जल्दी। जी अम्मी जान। अरे जब कलीम ने अपनी बेटी की शादी में हमें नहीं बुलाया, हमें अपनी खुशी में जब शामिल नहीं किया, तो हम ईद के दिन उसके घर क्यों जाएं? और तुम्हें बड़ा शौक है कलीम के घर जाने का। हाँ बात तो वैसे सही कर रहे हैं, और वैसे भी वो कौन सा हमारी खुशियों में खुश होते हैं, जलते ही हैं हमसे। अरे ये लोग रिश्तेदार कम साहब ज्यादा हैं। बाबा मुझे मालूम है कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इसके पीछे गद्दार और सलीबियों का हाथ है। सबसे पहले हमें गद्दार को तलाश करना पड़ेगा, उसके बाद हम सलीबियों के किला पर हमला करके उसको मिलकर फतह करेंगे। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि हमारे घर में कोई गद्दार मौजूद है, जबी तो हमारे घर की बातें कलीम के घर से पता चलती हैं। लेकिन बेटा एक बात समझ नहीं आई मुझे, हमारे मुसलमान रिश्तेदार सलीबी कब से हुए? अरे भाई आप इसकी बातों में क्या आ रहे हैं, ये पता नहीं कोई ड्रामा देख रहे हैं अर्तकल, उसको सर पे सवार कर लिया है। बाबा मेरी बात पर गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम गद्दार का पता लगाएंगे। भाई इसको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। और भाई फहद ईद मुबारक। अरे सोशल डिस्टेंस SOPs का ख्याल रखना है। अरे सॉरी यार मैं भूल गया था, आदत हो गई ना। अरे मिश्कात भी आ गया। और भाई मिश्कात ईद मुबारक। बाबर मेरा नाम मिश्कात नहीं है, मैं हूँ अर्तकल, सुलेमान शाह का बेटा। बाबर अर्तकल? अरे वाह नूरगुल भी मौजूद है। नूरगुल कहाँ है, कौन है? मैं फहद हूँ भाई। हाँ नूरगुल मुझे पता है कि सलीबियों ने तुम्हें नशा पिला पिला कर और दवाई खिला खिला कर तुम्हारी याददाश्त को तुमसे छीन लिया है, लेकिन तू फिक्र नहीं करो, मैं और बाबर मिलकर तुम्हारी खोई हुई याददाश्त को वापस लेकर आएंगे और हम साथ मिलकर किला फतह करेंगे। नूरगुल जाग जाओ मेरे दोस्त। अबे क्या पागल हो गया क्या तू? अबे भाई मैं समझ गया इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने दो दिन में एक सीजन खत्म कर लिया ना, तो अर्तकल इनके दिमाग पे चढ़ गया और हलीमा इनके दिल में, अब देख मैं क्या करता। अरे हलीमा सुल्तान। हलीमा चक चक। हलीमा किधर है? अरे बाबर नूरगुल कहाँ गए? सुनो एक बात बताओ, हम कब तक यू चोरी छुपे पार्क में मिलते रहेंगे?
आखिर कब तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आओगे, हमारी शादी की बात करोगे, आखिर कब तक टोपियां कराओगे तुम? हलीमा सुल्तान, बात दरअसल ये है कि बाबा मेरी शादी रोशनी से कराना चाहते हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बाबा को मना लूंगा। कौन है ये रोशनी? हम इतने अरसे मिलते रहे और तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। आयशा सही कहती थी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हलीमा सुल्तान, तुम नाराज मत हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया था, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ना जाने ये सलजूक सुल्तान की शहजादी ने कब से अपना चेहरा आईने में नहीं देखा होगा। आए हाय, इतनी मनुस आ रही हूँ मैं, और सबसे पहले तो तुम ये बताओ ये हलीमा सुल्तान कौन है, और इतना घटिया शीशा, इससे अच्छी तस्वीर तो मैं अपने फोन में ले लेती हूँ। और ये तुम गंदा सा शीशा पकड़ा रहे हो मुझे, मैं इसमें अपनी शक्ल देखूंगी? तुम्हारा दिमाग से डिया गया लग रहा है। हलीमा, एक बात मैंने तुमसे हमेशा छुपा के रखी, सोच रहा हूँ कि आज बता दूं, तुम्हारे बाबा को आरफीन भाई ने कत्ल किया है। क्या? आरफीन भाई? वो तो हमारे चौकीदार है, भला वो अब्बा को क्यों कत्ल करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब्बा, मैं आ रही हूँ। बेचारी सलजूक सल्तनत की शहजादी। और भाई सलीम, कैसे आना हुआ? गाड़ी में आना हुआ। अरे मेरा मतलब है, कैसे याद आ गई अपने बड़े भाई की? रात में सोए थे, सुबह उठे याद आ गई। चलो अच्छा किया, ईद के दिन तो तुम आ गए, वैसे हम साल बाद ही मिलते हैं। वैसे नदीम भाई, सलीम से मुलाकात हो रही है आपकी? अरे किस मनुष्य का नाम ले लिया तुमने, चंद पैसे आ गए उनकी तो आंखें सर पे चढ़ गईं। अरे भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आप माफ कर दीजिए। माफ कर दो क्या मतलब है? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? बच्चों वाली बात कर रहे हो एकदम? अरे अपनी फिक्र करें, छोड़े ये सब। अच्छा, हमारा भतीजा मिशकात नजर नहीं आ रहा? मिशकात? बेटा मिशकात देखो, चाचू आए। बाबा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरा नाम मिशकात नहीं है, मैं हूँ अर्तगल, सुलेमान शाह का बेटा। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, चाचू आए, सलाम तो कर लो तरह इनसे। कुर्दोगलो, तुम, मुझे पता है कि तुमने सलीबियों के साथ मिलकर मेरे और बाबा के खिलाफ जाल बिछाया है, लेकिन तुम्हारी सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं, और अब मैं अपने हाथ से तेरा सर कलम करूंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे सगे चाचा हैं ये। बाबा, मुझे मालूम है कि आप रिवायतों से कभी पीछे नहीं हटते, और आज भी नहीं हटेंगे। ये गद्दार है, चाहे चाचा हो या ताया हो, मैं इसका सर अपने हाथ से कलम करूंगा। बेटा भाई, मैं कुर्दोगलो थोड़ी था, मैं तो सलीम था। खैर, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।